ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। बुजुर्ग व्यक्ति के अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सहारनपुर के गंगाहो क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गंगाहो के तीतरो रोड पर अकबर धर्म कांटे पर अकबर नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति गोली मार दी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और घायल अकबर को तुरंत गंगाहो CHC में भर्ती करवाया, जहां पर प्रथम उपचार से बाद उनको सहारनपुर के जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया दिया गया। वही रात में ही CO अभय भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें उन्होंने बताया कि अकबर के शोल्डर में चोट लगी थी और कोई गोली की आवाज भी नहीं आई थी। आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात ने गोली मारी है। वही अकबर के पड़ोसी का कहना है कि रात के समय अकबर खून से लथपथ हालात में उनके घर का दरवाजा खटखटा के बोला कि मेरे बेटे को फोन कर दो, अज्ञात बदमाशों ने मेरे गोली मार दी है। वहीं पुलिस मामले को जमीनी रंजिश का भी बोल रही है कि काफी समय से अकबर की जमीनी विवाद में पुरानी रंजिश भी चल रही है। क्या मामला हुआ यहाँ पे? मेरा नाम है अजीत और अंदर से जब चीज आड़ हुई, आवाज आई, उन्होंने रुक के दिए, क्वार खोल ले, मैं उधर से भाग गया, उन्होंने रुक के दिए मुझे, भाई अजीत आइए भाग का, ये अजीत भाग का, ये और खून में लथपथ हो रहे थे, यहाँ से पकड़े हुए थे और जो है उन्होंने कहा भाई मेरे लड़के को फ़ोन मिला नवाब, मैंने नवाब से फ़ोन मिलाया और मिला के उन्होंने बुलाया, बुला कर ये दुर्घटना देखिए, मैंने बाहर खड़े थे खून में बन रहे थे। हाँ, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया भाई जो है मेरा गोली मार दी और मेरे लड़के को बुला दे और जल्दी आ भाग के, मैं उधर से भाग आया और आगे देखता हूँ खून में बंधे हुए थे, यहाँ से पकड़े हुए थे और फिर जो है मैंने उनके लड़के को फोन मिला, उन्हें बुलाया, उन्हें बुला के फिर यहाँ से वो डॉक्टर के ले गए थे। क्या मामला हुआ है सर यहाँ पे? सूचना मिली थी कि अकबर का एक धर्म कांटा है तीतरो रोड पे, तो अकबर साहब जिनकी उम्र 60-70 वर्ष की आयु की है वो अंदर बैठे हुए थे, उनको पता लगा कि दाहिने शोल्डर पे कुछ चोट लगी है, जैसा कि वो बता रहे हैं उनके जो साथी थे कि शायद कोई आवाज़ हमने नहीं सुनी है, गोली की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अभी ये बात क्लियर नहीं है। तत्काल हमारे SSI साहब में फोर्स के हम पहुँचे और यहाँ से लेकर के उनको गाड़ी में PHC में भिजवाए और वहाँ से उनको सहारनपुर में भेज दिया गया है। वो अच्छी हालत में है, बोल चाल रहे हैं, वो यहाँ भी अपना बताते हुए ही गए हुए हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं।